नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट साइंस स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास अपडेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का वनडे सीरीज जारी है और इस सीरीज के पांच मैचों में से तीन मैच खेले भी जा चुके हैं, जिसमें शुरुआत में भारतीय टीम को जीत मिली, बढ़त हासिल हुआ। लेकिन तीसरा वनडे मुकाबला जो महत्वपूर्ण मुकाबला था दोनों ही टीमों के लिए, कि अगर भारतीय टीम वो मैच जीतती तो सीरीज पे कब्जा कर लेती और ऑस्ट्रेलिया वो मैच गंवा देती तो सीरीज से बाहर हो जाती, यानी कि भारतीय सीरीज भी जीत लेता मैच जीतने के साथ ही। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रांची में ये मुकाबला खेला गया 8 मार्च को, यानी कि शुक्रवार को, और ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। पहले ऑस्ट्रेलिया टीम ने यहाँ पे बल्लेबाजी की, 313 रन बनाए, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। भारतीय टीम को जीत के लिए 314 रनों की जरूरत थी, लेकिन भारतीय टीम ने ये मैच गंवा दिया। 32 रनों से मैच में हार का सामना करना पड़ा भारतीय टीम को। और इसके बाद विराट कोहली ने जो मैच प्रेजेंटेशन होता है वहाँ पे जो बातें की, उसमें बहुत बड़ी बातें की भारतीय टीम की बल्लेबाजी को लेकर। उन्होंने खुद से भी निराशा जताई कि मेरे शतक होने के बावजूद भी टीम को हार का सामना करना पड़ा, साथ ही मैं उस समय पर आउट हुआ जहाँ पे गेंद और रन्स के बीच में चाहिए 20 रनों का ही फासला था, तो उस सिचुएशन में मेरा आउट होना गलत था। अगर मैं एंड तक रहता तो शायद टीम इंडिया मैच जीत जाती। लेकिन यहाँ पे हम बात विराट कोहली की नहीं करने वाले। विराट कोहली लगातार टीम इंडिया के लिए बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, शानदार तरीके से मैच भी जिताते हैं। लगातार 2 शतक जड़ चुके हैं इस सीरीज के दौरान। दूसरे मैच में भी उन्होंने शतक जड़ा था और तीसरे मैच में भी शतक जड़ा था। यहाँ हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया की मिडिल ऑर्डर को लेके, और मिडिल ऑर्डर में भी खास तौर पे चौथे नंबर को लेके। जिस तरीके से युवराज सिंह के बाहर जाने के बाद चौथे नंबर पे हमें अभी तक कोई बल्लेबाज नहीं मिला जिसको हम कह सकें कि ये खिलाड़ी जो है ये युवराज की जगह को फुलफिल करता है, बेहतर खिलाड़ी हम इसको वर्ल्ड कप में लेकर चल सकते हैं। इस जगह पे सुरेश रैना को मौका दिया गया, महेंद्र सिंह धोनी को मौका दिया गया, ऋषभ पंत आए, हार्दिक पांड्या भी खेलने आए चौथे नंबर पे, अजिंक्य रहाणे ने यहाँ पे बल्लेबाजी की, अभी अंबती रायडू कर रहे हैं फिलहाल में। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन रहा सभी खिलाड़ियों का, टीम इंडिया को वो प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि चौथा नंबर बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। जब भारतीय टीम के 2 विकेट गिर जाते हैं तब चौथे नंबर की बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। अगर वहाँ पे एक मजबूत साझेदारी ना हो तो टीम को बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है, टीम मुश्किल में फंस जाती है। अगर कोई बड़ा टारगेट हो जाए, जैसे कल की मैच की अगर हम देखें जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 313 रन बनाए, शुरुआत में हमें 2 झटके लगे, शिखर धवन 1 रन पे आउट हो गए, उसके बाद रोहित शर्मा 14 रन बनाकर आउट हो गए। तो विराट कोहली तो एक तरफ से डटे थे, वो बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से चाहिए था कि जो चौथे नंबर पे खिलाड़ी है वो रुक के खेले, यहाँ पे एक मजबूत पार्टनरशिप देखने को मिले ताकि टीम इंडिया को मजबूती मिले टीम को और रन चेस करने में आसानी हो। लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा। लगातार चौथे नंबर पे जिन खिलाड़ियों को भी मौका दिया जा रहा है उनसे निराशा ही हाथ लगी अभी तक। अंबती रायडू की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अंबती रायडू को एशिया कप से चौथे नंबर पे जिम्मेदारी दी गई है। एशिया कप में बेहतरीन प्रदर्शन रहा, कोई शक नहीं है। उसके बाद जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज था वहाँ भी शानदार प्रदर्शन रहा, लेकिन 3 महीने का गैप हुआ वेस्ट इंडीज का। जैसे ही सफर खत्म हुआ वेस्ट इंडीज, तो भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, वहाँ सबसे पहले T20 मैच खेले, उसके बाद टेस्ट मैच खेले, उसके बाद वनडे। तो यहाँ पे जो अंबती रायडू हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास ले रखा है, जब टीम इंडिया में उनकी वापसी हुई उसके बाद ही उन्होंने ऐलान किया, और ये क्यों उन्होंने किया ये समझ में नहीं आता। ये खिलाड़ी मैच प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं और इनको लगता है कि मैं बिना मैच प्रैक्टिस किए, बिना ग्राउंड पे खेले मैं बेहतर तरीके से खेल सकता हूँ, तो ये इनकी नासमझी है, ये गलती है, और ये गलती का हर्जाना अब टीम इंडिया को भुगतना पड़ रहा है। 2-3 महीने के बाद अंबती रायडू ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गए, वहाँ पे 3 वनडे मुकाबले खेलने थे भारतीय टीम को, 2 मुकाबले में इनको मौका दिया गया, दोनों ही जगह इनकी बल्लेबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप रही, तो तीसरे मैच में अंबती रायडू को बाहर कर दिया गया था। उसके बाद न्यूजीलैंड के सफर पे गए, न्यूजीलैंड में आखिरी जो मैच था वहाँ पे अंबती रायडू, टीम इंडिया ने सीरीज जीत लिया था 3-1 से, टीम इंडिया ने सीरीज जीत लिया था, जो आखिरी मैच था वेलिंगटन में वहाँ पे 90 रनों का नॉक खेला। उसके बाद फिर से भरोसा जताया गया कि ये खिलाड़ी कुछ कर सकता है, बेहतर कर सकता है चौथे नंबर पे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच अभी तक खेल चुके हैं और कोई प्रदर्शन नहीं आया है, और इस बिना पे हम कह सकते हैं कि जो चौथा वनडे मुकाबला कल मोहाली में खेला जाना है इस खिलाड़ी को बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप के मद्देनज़र देखे
तो इस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप की टीम में ले जाने का कोई तुक नहीं बनता अभी यहाँ से, क्योंकि आप जब घर में रन्स नहीं बना पा रहे, ऑस्ट्रेलिया में जाके आप रन्स नहीं बना पा रहे, तो आपसे हम क्या उम्मीद करेंगे कि आप इंग्लैंड में जाके, और जो वहाँ का वेदर होगा वो बहुत अलग किस्म का होता है, तो वहाँ पे जाके आप रन्स बनाओगे, टीम इंडिया को जिताओगे। तो यहाँ पे चौथे नंबर की खिलाड़ी की हमेशा से तलाश रहती है, देखना होगा कि चौथे नंबर पे किस खिलाड़ी को मौका दिया जाता है। और कल का मुकाबला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, भारतीय टीम यहाँ पे मैच जीतना चाहेगी जाहिर सी बात है, और वो सोचेगी कि हम सीरीज पे कब्जा कर ले। वहीं ऑस्ट्रेलिया अगर ये कल मैच जीतती है तो ये सीरीज 2-2 से बराबरी पर आ जाएगा। तो और वहीं विराट कोहली ने कल के मैच हारने के बाद जो बातें कही उसमें ये भी साफ तौर पे विराट कोहली ने कहा कि जो बाकी 2 वनडे मैच बचे हैं यहाँ पे टीम में बदलाव होंगे, और जब टीम में बदलाव होने की बात की जा रही है तो यहाँ पे अंबती रायडू को बाहर बैठना पड़ सकता है। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी को जरूर रेस्ट दिया गया है आईपीएल और वर्ल्ड कप के मद्देनजर, तो ऋषभ पंत 5वें नंबर पे महेंद्र सिंह धोनी की जगह बल्लेबाजी करते नजर आएंगे, लेकिन अंबती रायडू को इतने मौके देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अंबती रायडू को कल के मैच से तो बिठा देना चाहिए, और टीम इंडिया की भलाई भी इसी में होगी कि अंबती रायडू कल का मैच ना खेले, विजय शंकर को प्रमोट किया जाए और चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने का मौका दिया जाए। विजय शंकर लगातार बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं टीम इंडिया के लिए, हमने इनकी 2 मैचों में बल्लेबाजी देखी, दूसरे और तीसरे मैच में जहाँ सभी बल्लेबाज फेल हो रहे थे, तीसरे मैच में वहाँ भी विजय शंकर ने 32 रन बनाए, एक बेहतरीन साझेदारी की थी विराट कोहली के साथ, लेकिन वो भी आउट हो गए। तो यहाँ पे विजय शंकर को हम प्रमोट कर सकते हैं, दूसरे मैच में 46 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी, तो विजय शंकर में वो काबिलियत है कि वो चौथे नंबर पे आके बल्लेबाजी कर सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि टीम मैनेजमेंट क्या फैसला लेती है, क्या अंबती रायडू को मौका देना ठीक रहेगा टीम मैनेजमेंट के हिसाब से, ये देखना सही होगा। लेकिन अगर आप मेरी राय मानो तो अंबती रायडू को यहाँ से बाहर कर देना चाहिए, और वर्ल्ड कप के भी हिसाब से देखें तो अंबती रायडू की अब टीम में कोई जगह नहीं बनती। आप भी अपने सुझाव कमेंट्स के जरिए हमें दे सकते हैं कि कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो चौथे नंबर के लिए परफेक्ट रहेगा कल के मैच के लिए, और वर्ल्ड कप के लिए कौन सा खिलाड़ी परफेक्ट रहेगा। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और खेल से जुड़े अन्य अपडेट्स के साथ हम लगातार बने रहेंगे। आप हमारे नेक्स्ट साइंस स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।